माय नेम इज आखिरी रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हैप्पी दिवाली, आज दिवाली है एंड ये मेरा दिवाली व्लॉग है। एंड सो आज दिवाली व्लॉग को मैं एज अ डेली व्लॉग लाइक ही बनाने वाली हूँ यार, कुछ है नहीं तो क्या करें। सो हम लोग अभी उठे हैं, लाइक अभी नहीं उठे, काफ़ी पहले उठ चुके हैं हम लोग, लाइक 8:30-9 के आसपास उठे। आई वोक अप विद द सैडेस्ट न्यूज़ विच इज़ मैंने कल रंगोली बनाया था जो मैं आपको दिखाऊंगी, उसमें से एक रंगोली जो मैंने अपने लाइक मेन डोर के बाहर बनाया था वो हमारे बिल्डिंग की जो साफ सफाई वाले आए थे उन्होंने झाड़ू मार दिया था। एक्चुअली उनकी भी मिस्टेक नहीं थी, उनको लगा कि वो स्टिकर वाला है बट वो रंगोली था मिट्टी से बना हुआ, लाइक जो कलर से बनता है। मेरे नेबर ने भी उनको डांटा, मेरे भैया ने भी डांटा, मम्मी ने भी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मीडिया मीडिया एंड दोबारा बनाने के लिए बस कलर बचे नहीं, कलर पूरे तरह से ख़त्म हो चुके हैं। सो आज उठती मैं 9-10 के आसपास, लेकिन मेरा दिन का सुबह उसे मूड इतना ख़राब, दोबारा नींद आया नहीं। तो अब ब्रेकफास्ट वगैरह हम लोगों ने कर लिया है एंड ब्रेकफास्ट कर लिया है, थोड़ा बहुत बातें होते एंड मेरे भैया भी कल रात को आए हैं, सो थोड़ा कैश अप वगैरह। एंड अभी मैं जा रही हूँ अपना रूम थोड़ा क्लीन करूँगी, जैसे आप देख सकते हो मेरा रूम पूरा कचड़ा हुआ पड़ा है, लग ही नहीं रही कि दिवाली लग रहा है। एंड ऑल्सो आपको पता होगा कि जैसे लास्ट टाइम बार अम्फान आया था, आपने जानते होंगे अम्फान एक तूफान था। बात है कि इस बार भी आज के दिन आने वाला है एंड वेदर काफ़ी ख़राब है एंड ठंड बहुत है। कल इतनी गर्मी थी एंड आज इतना ठंड, अचानक से कैसे हो गया, मैं सुबह उठी तो ठंडा लग रहा है मेरे को। लाइक लुक एट द वेदर, वो बादल देख रहे हैं, लग रहे हैं आज तूफान आ रहा है, हवा देखो हवा, आई मीन इतना ख़राब वेदर है ना, ना कल रात को बारिश भी हुई है ना अभी थोड़ा बहुत हल्का हल्का भी हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन हल्का हल्का हुआ है, काफ़ी बुरा वेदर है। और नोस की इस बार का दिवाली कैसे जाएगा, दियाज वगैरह तो इतने ज़्यादा भयानक हवा में नॉन में टिकेंगे नहीं, लाइटिंग्स वगैरह तो गायब हो जाएंगे हमारे, बाहर जो लगे हुए स्पेशली घर के अंदर तब भी सेफ़ है एंड फटाखा तो फूटी करना वैसे भी इस बार बैन है, इस बार नहीं काफ़ी पिछले 2-3 से बैन है एंड इट्स गुड, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा उसको लाइक बुराई होती है उसको, ज़्यादा उसके लिए अच्छा नहीं है तो हमें फटाखा नहीं फोड़ना चाहिए। एक बात में वो थोड़ा चीज़ी लगेगा, बहुत चीज़ी लग सकता है, फटाखा फोड़ो मत, इस दिवाली फटाखा बन जाओ। अच्छे से कपड़े पहनो, बाल वाल बनाओ, तैयार हो, अगर लड़की हो तो अच्छे से मेकअप वेकअप ज्वेलरी पहनो, लड़के तो तब भी तुम भी मेकअप और ज्वेलरी पहन सकते, किसने मना किया, किसने मना किया है, नहीं मना किया है ना, किसने बोला कि इसे लड़की लो मेकअप करके ज्वेलरी पहन के सुंदर अप्सरा जैसे बन सकती, तुम भी बन सकते हो अप्सरा, अप्सरा नहीं लेकिन तब भी सब तैयार हो सकते हैं। सो अच्छे से तैयार हो जाओ एंड फटाखा फोड़ने की जगह इस एनवायरमेंट को ख़राब करने से खुद फटाखा बन जाओ। सोनिया का थोड़ा ज़्यादा चीज़ी और कौन नहीं लगा हो तो। अब हम चलते हैं, थोड़ा रूम क्लीन करते हैं, मेरे रूम का हालत बिल्कुल अच्छा नहीं है, मेरे को अपना बेडशीट बिछाना है, थोड़े लाइक पिलो कवर्स करना है एंड अपने रूम में थोड़ा बहुत लाइटिंग लगाना है, मैंने पूरे घर में लाइटिंग लगा ली है बट अपने रूम में बाकी है। एंड फिर जैसे कि मेरा टेबल अपना देख सकते हैं, हालत देख रही हो उसकी, हालत कचड़ा देखो, मैं बहुत कचड़ा करती हूँ। अब इन सब के अंदर क्या है वो मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि उसके अंदर और कचड़ा है, दिखाऊँगा तो आप लोग को शर्म आती। तो चलो साफ सफाई करते हैं एंड मेरी मम्मी ने शायद चाय बनाया है तो हम चल के चाय भी पीते हैं साथ साथ में।
नहीं अकेले नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरा जो बेड है किंग साइज है एंड जो मेरा गद्दा जिसको बोलते हैं मैट्रेस वो 6 इंच है, इतना हैवी है हमसे नहीं दबेगा वो, ठीक है ना। हम अपनी माँ को बुला रहे हैं, हमसे अकेले से नहीं होगा, आई एम नॉट इंडिपेंडेंट। आप जो दिखने आए होंगे कि मैं खुद ही इतना सब कुछ करती हूँ, आई एम नॉट सॉरी, मैं अपनी माँ के बिना कुछ नहीं कर सकती। मम्मी putting these lights on here and अगर आप देखना चाहते हो कि कैसे जलता है, let's see together। मुझे भी नहीं पता क्यों जलता है कि नहीं। Slow spot working, that's beautiful, can you even see it's so bright। हम लोग इसको यहाँ लगा रहे हैं एंड इट्स रियली गेटिंग रियली डार्क। अभी तक दोपहर भी नहीं हुआ है, मतलब 12 तक नहीं बजे अभी दोपहर के, दिन के जिनके लिए दिन होता है 12 बजे नहीं बजे एंड अभी से इतना लग रहा है कि शाम को 4-5-6 बज रहे हैं। वन थिंग आई वांट टू टेल यू, एक डाउट आप लोग का क्लियर करना था। आप लोग सोच रहे होंगे मैं भिखारी जैसे क्यों लग रही हूँ, मैं हमेशा भिखारी जैसे दिखती हूँ एंड आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पीएस्ट व्हेन आई लुक लाइक अ भिखारी। आई डोंट नो, आई एम हैप्पी व्हेन आई लुक लाइक अ भिखारी। मेरे बाल सुपर मैसी, इतनी भयानक मैसी की तो छोड़ ही दो, मुंह में कुछ नहीं। आई एम नॉन फिल्टर क्वीन, आई एम ऑलवेज गोना बी द नॉन फिल्टर क्वीन। I'm always looking and look beautiful without any filter, any, you know what I mean, and कपड़े always wear like special shorts। ये मैंने अपने भैया से चोरी की है, मैंने अपने भैया से चोरी की है, मैं कपड़े अपने भैया के चोरी करके ही पहनती हूँ। भिखारी लोग करके आ सकते हैं, दूसरों लोग से मांग के तो पहनते हैं, मैं वही करती हूँ। तो या आए भिखारी काम पे लगो, चलो। आई डोंट यूज सीजर, आई यूज माई टीथ, इट्स ऑलवेज परफेक्ट। सेटअप हो गया है, सेटअप या डेकोरेट जो भी आपको बोलना हो चुका है एंड आई एम हैप्पी हाउ इट केम आउट। एंड मैं आपको रूम टूर तो करवाने वाली हूँ नहीं, क्योंकि अगर आपको रूम टूर देखना है तो यू हैव टू कमेंट डाउन बिलो कि आपको मेरा रूम टूर देखना है। मैं आपको रूम अपना दिखाऊंगी नहीं अभी, आई एम सो सॉरी। बस हाँ, मैं आपको 2-3 चीज़ें दिखाऊंगी जो मैं आपके सामने भी दिखा, जो सेटअप किया, फर्स्ट में टेबल एंड सेकेंड में बेड, बाकी कुछ भी नहीं दिखाने वाले, आई एम सो सॉरी। रूम टूर नहीं है भाई, ये दिवाली ब्लॉग है। रूम टूर के लिए कमेंट में बताओ आपको रूम टूर देखना है कि नहीं, मैं अब तभी आपको दिखाऊंगी, नहीं तो नहीं देखना मिलेगा आपको मेरा रूम। वैसे भी मेरा रूम साफ़ हुआ है बट कुछ कुछ जगह में अब भी साफ़ नहीं है, आई एम टू लेजी टू डू दैट, सो लेट्स गो। सो दिस इज़ द टेबल जो मैं अभी आपके सामने डेकोरेट कर रही थी एंड एज यू कैन सी
दिस इज हाउ द लाइट टर्न आउट। मैं आपको लाइट्स बाकी सारे लाइट्स ऑफ करके दिखाती हूँ। एंड दिस इज हाउ इट्स लुकिंग विद द लाइट्स ऑफ एंड आई एम एक्चुअली रियली रियली लविंग इट। यहाँ पर भी एक लाइट है एंड ये मेरा लैम्प है जो मैंने अभी डिम करके रखा हुआ है एंड इसका बैटरी भी ऑफ है। तो सो दिस इज हाउ इट्स लुकिंग। आई होप आपको अच्छा लग रहा हो। कैसा लग रहा है? लुक्स क्लीन एंड गुड राइट? दैट्स माई लैपटॉप एंड आई डोंट नो व्हाई माई स्पीकर इज ब्लिंकिंग विद द ब्लूटूथ ऑन एंड या देयर यू गो। अलेक्सा टर्न ऑन बेडरूम। ओके यस आई हैव अ लाइट कनेक्टेड टू माई अलेक्सा। बाकी लाइट स्विच ऑन से देखिए। दिस इज द लाइट विच इज कनेक्टेड टू द अलेक्सा वन। अलेक्सा लाइट को ब्लू करो। ठीक है कूल राइट? देख बाकी सारे लाइट्स कलर काफ़ी थोड़े डिम में, ज़्यादा ब्राइट नहीं है बट वाइट में बहुत अच्छा है। अलेक्सा लाइट को सॉफ्ट वाइट कर दो। ठीक है। ओह आई लाइक दैट। सो दिस इज हाउ इट्स लुकिंग एंड ये वाला एरिया जो मेरा बेड है सो क्लीन्ड अप राइट? मैं बाकी सब कुछ नहीं दिखा रही, बस एक टेबल एंड बेड लगा रही। मेरे रूम में भी बहुत कुछ है दिखाने को। आपको लग रहा होगा मैंने आपको ऑलमोस्ट अपने रूम तो दिखाई दिया है। नहीं मेरे रूम में भी बहुत कुछ है, लाइक माय वार्डरोब, माय वॉशरूम, माय अदर थिंग्स। मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी। देखने के लिए आपको कमेंट बताना होगा कि आपको रूम टूर देखना है कि नहीं। सो या टेल मी इन द कमेंट्स कि मैंने अच्छे से साफ सफाई की है कि नहीं। एंड बाकी का भी होम डेकोरेशन मैंने की है, ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। कल किया था सारे रूम डेकोरेशन। सो मैं आपको वो सब शाम को दिखाऊंगी जब पूरा घर भी अच्छे से सजिया होगा एंड मैं भी सजिए होंगी अच्छे से। गरीब नहीं दिख रही होंगी, भिखारी नहीं दिख रही होंगी, तब मैं आपको दिखाऊंगी मेरा रूम, मेरा आउटफिट, मेरा सब कुछ। अभी हम चलते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं एंड लंच करने का टाइम हो गया कि मुझे भूख लग रहा है। अभी एक ही भी नहीं बचा यार। हम लोग चल के थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं क्योंकि आई एम टायर्ड, रियली टायर्ड। सो लेट्स गो एंड हैव सम रेस्ट। रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, यू नो राइट? रेस्ट इज द मोस्ट। ये क्या है भाई? सो I'm also having some acne. आप लोग अगर मेरे शॉर्ट्स देखते हो तो आपने देखा होगा कि I'm sorry, ये जो आवाज़ आ रहा है मेरे ऊपर वाला पता नहीं क्या कर रहा है। इन लोगों को रोज़ कुछ ना कुछ होते ही रहते हैं। या वी स्टे इन अ बिल्डिंग, सो इफ यू ऑल्सो स्टे इन अ अपार्टमेंट बिल्डिंग तो आप मेरा दर्द समझ सकते हैं। एंड हाँ तो मैं ये बोल रही थी कि आपने अगर मेरे शॉर्ट्स देखते हैं, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करते हैं जो यहीं पर है एंड नीचे कमेंट सेक्शन में भी दिया हुआ है एंड मेरी अकाउंट इन्फो में भी दिया हुआ है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप उसको वहाँ पर देख सकते हैं। आई डिड सम हॉलोवीन लुक्स। मैंने ऑलमोस्ट 6 लुक्स किए हैं एंड वो लुक्स इतने ज़्यादा हैवी हो गया था, स्पेशली दैट रेड हार्ट वन। आप देख लेना मैं कौन सा बोल रही हूँ। That caused me acne breakouts, like because I don't have a face paint or any like color जिससे मैं अपना पूरा face वैसे कर पाऊँ color, so I use soft pastels which led to this. Yeah, I know I'm stupid. मैं कुछ भी करते रहती हूँ views and all के लिए, नहीं करना चाहिए मुझे पता है views and likes के लिए, लेकिन आई एम सो डेस्परेट कि मुझे इस बार करना है, इस बार नहीं किए तो कब करेंगे। एंड आई डिड ऑर्डर फेस पेंट बट वो अभी तक नहीं आया। सो आई एम लिविंग दिस बिकॉज अभी तब भी बेटर है। कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले तो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल था, लाइक काफ़ी पेनफुल हो गया था फेस में। अभी लाइक थोड़े बहुत मार्क्स रह गए, बाकी सब कुछ होंगे। सो
नेस्को एंड हैव रेस्ट एंड आई एम सॉरी मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, मेरी आदत है बहुत ज़्यादा बोलने की, मैं कुछ नहीं कर सकती। एंड आपको मेरे को पता है आप लोगों को बोरिंग लगता है मेरी नोटंकी सुनकर, लेकिन मैं हूँ इंड्रा में बस इन नोटंकी एंड मैं बहुत बोलती हूँ। एंड मेरे को मुझे पता है मुझे अभी चुप हो जाना चाहिए, लेकिन मैं अपने आप को चुप नहीं कर पा रही, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं वीडियो कैसे एंड करूँ। ओके, सो हम लोग ने लंच कर लिया एंड थोड़ा बहुत रेस्ट भी किया, सब ने रेस्ट कर लिया है एंड अभी शाम के 5 बज रहे हैं। आई नो मुझे लग रहा था कि कितना लेट है, लाइक कितना टाइम लग रहा, मुझे लग रहा 7 बज गए, इतना टाइम से मैं बिस्तर में ही पड़ी हूँ, फ़ोन में स्क्रॉल कर रही हूँ, इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर रहे हैं बहुत, मैं वहाँ हर समय एक्टिव रहती हूँ, प्लीज़ मेरा इंस्टाग्राम जरूर चेकआउट कीजिएगा प्लीज़। सो मैं वहाँ पर थी एंड हाँ ये आवाज़ जो आ रही है, मेरे पापा टीवी देख रहे हैं, पता नहीं क्या देख रहे हैं बट मेरे पापा टीवी देख रहे हैं तो उसकी आवाज़ आ रही है। सो हमारा लंच वगैरह हो गया, मैं रूम दोबारा कचड़ा हो गया क्योंकि सब सो गए थे, नहीं मेरे भैया सोए थे और मेरी मम्मी ने कचड़ा कर दिया पर तब भी। एंड अब हम लोग क्या करने लगे हैं कि मेरी जो मेड है उन्होंने बोला कि एक क्या नारियल का कुछ बोलते हैं, नारियल का लड्डू या फिर पता नहीं क्या बोलते हैं, नारियल का कुछ बना रही है, तो हम चलते देखते क्या बना रही है, उनसे ही पूछते क्या बना रही है। एंड वो आइए बनाने के लिए थोड़ा बहुत हेल्प भी कर देते हैं, मेड है तो क्या हम नहीं कर सकते, किसने बोला नहीं कर सकते। एंड ऑल्सो मौसम काफ़ी अच्छा हुआ पड़ा, लाइक तूफान नहीं आया, नहीं आए हैं तूफान, लेकिन तूफान वाला हालत अभी भी बहुत तेज़ हवा चल रहा है, ठंड बहुत है बाहर, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है सब कुछ, लेकिन तूफान जैसा लग तो लग रहा अभी तुरंत तूफान आएगा, हवा बहुत तेज़ है, बहुत स्पीड है हवा में, हम ठंडा बहुत, कुछ ऐसा दिख रहा है अभी उतना आपको क्लियर नहीं दिखेगा क्योंकि लाइट्स बहुत सारे ऑन है, बट देख हवा देख रही हूँ कितना स्पीड चल रहा है, काफ़ी स्पीड हवा चल रहा है। पहले तुरंत में भी अंधेरा भी हो गया, जल्दी अंधेरा हो गया, नहीं तो अभी 2 मिनट पहले पूरा आपका पिंक पिंक हुआ पड़ा था, सब पिंक पिंक था, एकदम पिंक ही था। मैं ज़्यादा बोलती थी कभी कभी, आई एम सो सॉरी एंड मैं बहुत गंदी भी लग रही उसके लिए भी सॉरी। सो हम चलते हैं देखते हैं उन लोग क्या बना रही, मम्मी है ना मेरी मैड दीदी, मैं उनको दीदी ही बोलती हूँ, शी इज़ नॉट अ एज्ड वूमेन तो मैं उनको दीदी ही बोलूँगी, शी इज़ लाइक अ दीदी तो मैं उनको दीदी ही बोलती हूँ, तो वो बना रही है, देखते हैं उन लोग क्या बना रहे हैं, हम भी थोड़ा हो सके तो मदद करेंगे नहीं तो कब बड़ा करके आ जाएंगे। चलो चलते हैं एंड हाँ हम अभी रेडी नहीं होंगे, हम रुक के रेडी होंगे। बना रही है नारू पक गया, क्या नारू पक गया, नारू पक गया, आधा हिंदी आधा बंगला, नाड़ू पक गया, नहीं क्या बोलते इसको बोलो ना, नाड़ी लड्डू बंगला से नाड़ू कौन, नाड़ी लड्डू नाड़ू पक गया। तो ये ब्राउन ब्राउन क्या है इसमें, गुड़ गुड़ और नारियल और घी और तुम तो रेसिपी डाल रही है, सब बंगले में पकता है ना, यूट्यूब पे छाड़ भी लाइक के देख भी देखते पारबो ना, सब्सक्राइब की कोर्चे आमी ओटा देखते पारबो, कमेंट की कोर्चे आमी ओटा देखते पारबो। तुम काय चला रहे रे, काय चला रहे, अरे हमने आज यूट्यूब में पहले कभी नहीं दिखाया ना मिठू को, आज पहली बार सबको मीठा हो रहा है, मिठू के यादों पे दिवाली की दिन, अब चुप हो गया। अच्छा तो अभी हम लोग का तैयारी वारी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन मम्मी कुछ कुछ तैयारी कर रही है पूजा के लिए एंड वो तैयारी करने के बाद फिर हम लोग रेडी होकर फिर पूजा वगैरह स्टार्ट करेंगे एंड देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। तुम भगवान जी को नहलाए हैं, देखो नहाए हैं दोनों,
भगवान जी को नहला दिए, नहला दिए हैं हमने, नहलाना मिस कर गए। और उसके बाद अभी कपड़ा पहनाएंगे, पोछे हैं, साफ सुथरा कर दिए भगवान जी, दूध और पानी में नहलाती है। हाँ। उससे क्या होता दूध और पानी में नहाया सर? बस शुद्ध होते हैं भगवान जी, इसको हटा देंगे। ये देखो नया वस्त्र लाए हैं भगवान जी के लिए, रेड कलर का सुंदर लग रहा है। हम नीचे बैठ जाते, रुको। ये देखो माला लाए हैं, माला लाए हैं, मुकुट लाए हैं, एक बड़ा मुकुट साईं बाबा के लिए। हाँ हम लोग साईं बाबा का भी करते हैं ना, दो मुकुट। हाँ दो मुकुट गणेश लक्ष्मी के लिए, और ये वाला मेरे साईं बाबा के लिए। हाँ ये सुंदर लगेगा, ग्रीन एंड ऑरेंज पूरा सेट बन गया, हम लोग तो बिना देख लिए थे। उनके ऊपर भगवान जी को बैठा देगी ना। मेरा हाथ बहुत काटता है। देखो गणेश जी का धोती है, व्हाइट कलर का मिला धोती इस बार, नहीं क्रीम है। गणेश जी को धोती पहनाई है, गणेश जी का लक्ष्मी जी का छोटा बड़ा हो जाता है इनको हमेशा, बड़ा मूर्ति ले ले तो। बहुत साल से बाबू दादी के टाइम से चला आ रहा है, तब भी इनको फिर ऐसे रखा करो, पूजा वूजा के टाइम में उनको निकाल लिया करो, फिर उनको किया करो। जैसे सर लक्ष्मी पूजा में करती है, उनको मूली देना होगा प्रीति थोड़ा सा ना। माँ का रूप छुप रही है, ठीक है। हम दुल्हन जैसे लग रही है, मुकुट बना दी, सुंदर लग रहा है मुकुट उकुट पूरा। गणेशा को देखा, सुंदर लग रहे हैं ना गणेश जी, एकदम राजा जी जैसे सजा दिए। हाँ तो अच्छे नहीं लगेंगे, अब ये सब पुराना वाला तो तुम फेंक देगी ना, विसर्जन बोलते हैं बाबू, सॉरी विसर्जन। लक्ष्मी को सब कपड़ा बड़ा हो जा रहा है ना, शाही मत्था टेक कर, मुड़ गिरा पकड़ो उनका मुकुट, और नीचे सिंहासन देंगे, वही रहने दो उनका सिंहासन भी, वही रहने दो, सब नहीं उठाना है बस। साई बाबा को भी नए नए कपड़े पहनाएंगे हम लोग, क्लीनिंग देखना गिरे नहीं है, कपड़े पे रखना। मेरे बाबा तो बहुत सुंदर लगते हैं,
रेड रेड क्या है उनके मुंह में? टीका लगाते थे ना वही अंदर। राखी ना हम एक साल तक अगले साल हर मिस भी हम लोग मैचिंग करके नहीं लिया अपने आप मैचिंग अपने मतलब मुकुट भी हम लोग पसंद कर रहे थे कि दूसरा कलर लो तुम मुझे नहीं ग्रीन अच्छा लग रहा है और हम लोग को याद भी नहीं था कि ग्रीन है तुम्हारे ड्रेस में सुंदर लग रहा है। कितने सुंदर लग रहे हो मेरे साई बाबा। हम तो बोले मैं देख साई बाबा अलग अलग कपड़े लेते हैं मैचिंग अलग अलग सब हम लोग दिमाग में भी नहीं था कि ऑरेंज हम लोग ले रहे हैं अलग अलग लिए और देखो सब मैच हो गया। बोलो साई बाबा की जय जय। बोलो सब कुछ हो गया और क्या बाकी है रह गया हम बाबा को जनेऊ पहनाएंगे और पूजा करेंगे तब क्या पहनाएंगे पूजा जब करते हैं ना हाँ उस हम जनेऊ पहनाते हैं। अच्छा हम करेंगे बाबा को तो अभी हम लोग जाएंगे हम तैयार होंगे ना बस हम चलते हैं और चल के तैयार होते हैं। मैं रेडी हो गई एंड लगभग सब रेडी हो गया। रेडी होने के बाद पूजा भी हो गया एंड मैंने पूजा रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मुझे लगा एक्चुअली लगभग सबके घर में तो पूजा होती है तो इट्स नथिंग न्यू टू रिकॉर्ड। थोड़ा बहुत मैंने आपको दिखा दी एंड बाकी मेन पूजा तो आप जानती हैं कैसे हो तो रिकॉर्ड करना मुझे उतना इम्पॉर्टेंट नहीं लगा एंड अगर आपको लगा कि मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए तो प्लीज़ बता दीजिएगा मैं अगली बार से रिकॉर्ड किया करूँगी। तो या वी आर रेडी एंड मैं आपको अब अपना घर का डेकोरेशन दिखाती हूँ और हम दिया वह जलाएंगे एंड जो डेकोरेशन हम लोगों ने जितना भी किया सब कुछ ऑन करेंगे आई मीन दिया वगैरह जो हम लोगों ने किए वो सब हम कुछ चलाएंगे। सो लेट्स गो एंड हियर इज़ दिस लुक। मैंने यहाँ साड़ी पहना है मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या पहनूँ आई वॉज सो स्टक मैं 3 दिन सोच रही थी क्या पहनूँ। मैंने अपना अलमारी खोला फिर मैं सोचा अपनी मम्मी का कोई सूट मैं चोरी करके पहन लेती हूँ एंड जब मैं खोला तो मुझे ये साड़ी दी गया ना बस लाइक आज इसी को पहनेंगे तो मैंने पहन लिया एंड सो लेट्स गो एंड बाकी के घर के डेकोरेशन देखते हैं। एंड अगर आपको मेरा लुक पूरी तरह से अच्छे से देखना है मेरी साड़ी कितनी सुंदर है अच्छे से आकर आप देखना है तो ज़रूर मेरे इंस्टा पे फॉलो कीजिएगा एंड इंस्टा पे देख लीजिए मैंने डाला है एंड ऑफ कोर्स मैंने अपने शॉर्ट्स में भी डाला है तो देख लीजिएगा वहाँ पर। अब हम थोड़ा पूजा दे देते थोड़ा माथा टेक लेते हैं क्योंकि पूजा तो हो गया अब मैंने माथा नहीं टेका तो माथा टेक लेते हैं। ओके सो मैंने आप लोग को अपना डेकोरेशन दिखाया नहीं तो मैं अभी आप लोग को डेकोरेशन दिखाऊंगी। मैं आपको पहले सबसे पहले एक रंगोली दिखाऊंगी एंड दूसरा रंगोली मैं आपको दिखा नहीं सकती जैसे मैंने आपको बताया कि जो रंगोली है मैंने 2 बनाया था सेकंड वाला मैंने मेन दरवाजे के बाहर बनाया था एंड हमारे जो बिल्डिंग में साफ़ सफाई करने वाले भैया आते हैं उन्होंने उसे झाड़ू मार दिया एंड मेरे पास अब वो कलर बचे नहीं थे सब ख़त्म हो गए थे कि मैं दोबारा रंगोली बना पाऊँ। तो प्लीज़ मैं आपको ये वाला फ़ोटो दिखा देती हूँ ये जो है ये था बाहर का रंगोली अब मैं आपको दिखाती हूँ बाकी की डेकोरेशन। हमारे बिल्डिंग के नीचे काली पूजा है इसलिए इतना ज़्यादा आवाज़ आ रहा है ढाक का
सो मैं आपको घर के एंट्री से दिखाती हूँ, ठीक है? मैं आपको काली पूजा दिखाने ले जाऊँगी अभी। सबसे ज़्यादा पसंद है सनफ्लावर, फ्लोटिंग सनफ्लावर साइड में ये दोनों में किया है। एंड यहाँ पर गणेश कक्ष में, जिसमें गणेश का जल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं जल रहा है, बट दो तीन बार जला चुके हैं, एकदम थोड़ा सा ही लाइट जल रहा है, सब ध्यान से देख सकते हो, थोड़ा सा लाइट है। एंड फिर उसके बाद ये ड्राॅइंग रूम हो गया। मैं आपको होम टूर भी दिखा दे रही, चलो ड्राॅइंग डाइनिंग होम टूर भी इसी में अटैच होता है। तो ये रहा यहाँ का, ये फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ के लिए मैंने, आप मेरे रील्स या फिर शॉर्ट्स देखोगी तो उसमें यही बैकग्राउंड मैंने यूज़ किया है। एंड ये रहे मेरे भैया फ़ोटोग्राफी करते हुए, प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी। और ये वाला रंगोली है जो मेरा बर्थडे के लिए मैंने घर के सामने बनाया है, ये रहा। एंड फिर ये अंदर के रूम में, इसका मैं आपको टूर नहीं करवाने क्योंकि अंदर में डेकोरेशन नहीं है, तो होम बाकी के होम टूर को आपको फिर देखना पड़ेगा। सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ। डाइनिंग में ये बोट, मम्मी तुम कहाँ जाने वाली थी बोट से? श्रीरामपुर। मेरी मम्मी इस बोट में बैठ के श्रीरामपुर जाएगी। एंड ये लाइट कैंडल्स। एंड बाहर में फिर ये लाइटिंग्स है, और हमने बाहर में एक भी नहीं लगाया क्योंकि बाहर में हवा बहुत है एंड ज़मीन काफ़ी ठंडा है, तो बाहर में हवा बहुत है एंड उसके वजह से कोई भी दिया मतलब जल नहीं रहा था, तुरंत में बुझ जा रहा था, तो उस हवा के कारण हमने नहीं किया। बट लुक एट दिस, यहाँ अभी भी फटाके फूट रहे हैं, बैन होने के बाद भी फटाके फूट रहे, अब क्या ही कर सकते हैं। देखिए नीचे हमारी बिल्डिंग में डेकोरेशन हुआ है जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। चलो तो ये था मेरा होम डेकोरेशन, मैंने आपको एक तरह से अपना ड्राइंग डाइनिंग का टूर दे दिया, होम टूर। बाकी के होम टूर के लिए आपको कमेंट में बताना पड़ेगा अगर आपको देखना है। बाकी प्लान में नहीं था होम टूर, बट डेकोरेशन के साथ साथ सब हो गया। अनु किचन, उसको मत देखो, किचन को मत देखो, ठीक है? तो अभी सब फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो चल के हम लोग फोटोग्राफी करते हैं। एंड भी थोड़ी देर रुके, हम नीचे जाएंगे, हम नीचे जो पूजा हो रहा है उसको थोड़ा देखना है, अभी तो काफ़ी भीड़ है नौ लोगों। तो हमारा फोटोग्राफी वगैरह हो गया है, अब हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं, एक काली मूर्ति यहाँ पर बहुत फेमस, हम वो देखने जा रहे हैं। एंड मेरे डैड ने बोला कि एक बाल के लिए रबर बैंड ले लो, क्योंकि मानते हैं कि वहाँ पे जाने के लिए अच्छा नहीं होता है। सो लेट्स गो। हम हैं शायद न्यू ओल्ड, मेरे को पता नहीं कहाँ पर। मम्मी हम लोग कहाँ पर है? कालीगंज, कालीघाट। हम लोग आए कालीघाट, अब हम जा रहे हैं स्पेशल मूर्ति जो हम हर साल देखते ही देखते हैं। लेट्स गो, पकड़ के चलने नहीं होते, ये तो पहुँच गए। तो
वो भी अपने वाइफ को बोल रहा है बाल बाल को। क्या चीज? बाल बांधने के लिए अपनी वाइफ को। यहाँ का रूल है कि बाल बांध के यहाँ बाल खुला अच्छा नहीं होता, शुभ नहीं होता। तो मैंने भी बाल बांध लिए और मेरी मम्मी ने भी बाल बांध लिया। हम सॉरी अगर वीडियो बहुत शेक हो रहा है क्योंकि मैंने साड़ी भी पहना है, तो दो तीन चीज़ें एक साथ नहीं संभाल सकती। ठंड भी बहुत लग रही है मेरे को। ये है शमशान घाट, ये पूरा शमशान घाट है, ये सब देख सकते हैं। ये देखिए ये शमशान घाट है, ये पूरा घाट। सबसे बड़ा दुर्गा का मूर्ति यहाँ पर बैठते नहीं, यहाँ हमेशा ही रहते हैं मूर्ति। पापा वो क्या है जिसकी आंख में लाइट जल रहा है? भूत प्रेत। भूत प्रेत? और यहाँ पर तो स्केलेटन है, आसपास स्केलेटन है। यहाँ पर बॉडी जलाया जाता है, कुछ लोगों की बॉडी शायद जल रही नहीं, अभी किसी की नहीं जल रही, बट यहाँ पर जलाया जाता है, पैसा दिया जाता है एंड थोड़ा रिस्पेक्ट पे किया जाता है यहाँ पर। इनकी भी लाइफ कितनी ख़राब होती है यार, नहीं आता है क्या बोलें। इनमें से कुछ लोग हैं शायद कुछ काम भी कर सकते लेकिन करते नहीं, जैसे कि ये वाला आदमी। क्या खराबी इसमें, लेकिन काम वम करना नहीं तो बैठे हैं ना। चलो अब देखते हैं हम अब कहाँ जाते हैं, मैं अब वहाँ का वीडियो बनाऊँ। यहाँ का अब वीडियो ख़त्म हुआ एंड मैं बाल भी खोलूँगी, बंधा हुआ बाल अच्छा नहीं लग रहा। दिवाली की पूजा हो रही है यहाँ पर, उसी की तैयारी हो रही है, यहाँ पर पूजा होगा एंड हम आए हैं खाना खाने काके दी हट्टी में। हम वापस उतर रहे हैं, खाना कंप्लीट। किंग एम नॉन, सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा उससे बड़ा, हमने ये वाला खाया है। ये क्या सीन है भाई? Let's go home. So, हम
अभी अभी घर पहुँचे, अभी टाइम हो रहा है 11:50, 12 बजने वाले हैं एंड हम लोग घर पहुँचे हैं एंड यू जस्ट सॉ कितना बड़ा नान था। मेरी मम्मी तो ज़्यादा खा नहीं सकती, तो मेरे भैया मेरे और मेरे पापा के ऊपर तो पूरा ख़त्म करना है यार। बोल, ऊपर से मैं साड़ी पहन गई थी तो मैंने बहुत ज़्यादा खा ली, यही जीन्स पहनती तो मुझे नहीं लगता मैं तो खा पाती, तो आई वो बहुत ज़्यादा पेट भरा है होगा एंड मेरे को सबको देख ही होगा कि मैं बहुत थक गई हूँ एंड आई एम रियली वर्न आउट। बट अगर आप पूजा करते हो दिवाली की तो आपको पता होगा कि सॉरी इफ दिस फ्रेम इज रियली ऑकवर्ड फॉर यू, पर अगर आपको पता पूजा होगा तो आपको पता होगा कि हम 12 बजे से लेके सुबह सूरज उगने तक दिया जलाते हैं। तो जैसे ही 12 बजेगा मेरी मॉम एक दिया जला देगी और वो सुबह सूरज उगने तक जलता रहना चाहिए, भूजना नहीं चाहिए, तो वो भूज ना जाए तब तक के लिए हम लोग जागेंगे। मेरी मॉम तो जागेगी पूरा रात भर एंड आई डोंट नो मेरे भैया जागेंगे कि नहीं, मेरे पापा तो बिल्कुल नहीं जागेंगे क्योंकि उनको कल ऑफिस है। मैं जागूंगी क्योंकि मुझे एडिटिंग करनी है कंप्यूटर में, यह सबको काम करना है बहुत, तो मैं जागूंगी रात भर जितना देर तक मैं जा सकती हूँ। आई थिंक मैं रात भर जा सकती हूँ, मेरे में उतना टैलेंट आ गया, एक टाइम पर मैं बच्ची थी तो मैं जाग सकती थी, अब मेरे में बहुत टैलेंट है हम जाग सकते हैं, तो मैं जागूंगी एंड मेरी मॉम लगेगी एंड या मैं जाग पाए कि नहीं रात भर उसका जो अपडेट है मैं अपने इंस्टा पे दे दूँगी। यहाँ पर आज के लिए वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है क्योंकि मुझे अभी वीडियो एडिट करके डालना भी है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, टुडेज व्लॉग। आई होप यू हैड फन एंड मैंने पूरा कोशिश की जितना एनर्जेटिक मैं इस वीडियो को बना सकती थी मैंने बनाया। हमेशा की तरह मैंने बहुत बोला है उस चीज़ के लिए सॉरी, मैं बहुत बोलती हूँ एंड बहुत फ़ोन भी हिला रही हूँ तो उसके लिए भी सॉरी, मैं बहुत शेक करती हूँ अपना हाँ। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू हैड अ रियली 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 एंजॉयिंग दिवाली एंड या दैट्स द एंड ऑफ द डे, आज दिवाली ख़त्म हो गया एंड बाय बाय एंड लव यू, सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। मुझे वीडियो एंड करने का मन नहीं कर रहा लेकिन करना पड़ेगा, बाय बाय। मुझे ड्रेस भी चेंज करना, मैं थक गई हूँ, बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, येस ऑन माई इंस्टाग्राम। जैसे मैंने कहा मैं जागी हूँ कि नहीं जागी हूँ रात भर, मैं सो गई या नहीं सो गई या फिर मैं सो ही नहीं, उसका अपडेट मैं अपने इंस्टा पे दूँगी। तो ये वीडियो कल तक मैं पूरा कोशिश करूँगी आ जाए, तो वहाँ पर अपडेट आप देख लेना प्लीज़।